नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये है हमारे देश की सभ्यता, ये है हमारे जम्मू कश्मीर की सभ्यता कि दुश्मन को भी किस कदर मान सम्मान दिया जाता है, इसकी मिसाल हम आपको बता रहे हैं। जो विजुअल आपने शुरू में देखे, ये वही पाकिस्तानी इंट्रडर है, वही पाकिस्तानी घुसपैठिया जो बकरपुर आरसपुरा में जो घुसपैठ करते हुए BSF के जवानों द्वारा जिसको मौत के घाट उतारा गया। पर एज पर प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसीजर होता है एज पर लॉ, के 72 घंटे तक अगर बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता, फिर उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी आखिरी रस्मात को अंजाम दिया जाता है। वही हुआ कि ये बताना चाहेंगे आपको कि वहां के जो काउंटर पार्ट थे, उन्हें एक चिट्ठी लिखी गई कि आप अपनी बॉडी, जो बॉडी है, जो घुसपैठी है, आप ले जा सकते हैं। और 72 घंटे तक वेट किया गया और 3 दिन तक उस बॉडी को बड़े ही एहतराम के साथ ऐसी जगह पर रखा गया कि जहाँ पर स्मेल ना हो बॉडी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद जब वहाँ से यहाँ से हमारी एक लंबी विसल बॉर्डर पर होती है, जिसके चलते जो दूसरी जो सीमा पार से जो है वहाँ की जो वहाँ से भी लंबी विसल होती है, और यहाँ से हमारे जो जवान है एक वाइट झंडा हाथ में लेकर सामने आ जाते हैं, और वहाँ से भी एक वाइट झंडा लेकर आते हैं, और उसके बाद ये जो पूरी ये प्रोसेस चलता है, उसी के ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब वहाँ सर बॉडी को चिट्ठी भी लिखी गई और सारा चिट्ठी के बाद 72 घंटे तक इंतज़ार किया गया, कोई भी क्लेम नहीं किसी ने किया बॉडी का, उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से आपने ये तस्वीरें देखी। वाकई ये तस्वीरें बड़ी ये कहेंगे कि आकर्षक तस्वीरें, और इस तस्वीरों से क्या मैसेज आता है कि पता चलता है जिस देश में हम रहते हैं और जिस जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं उसकी सभ्यता क्या है, क्या सिखाता है हमारे देश में कि दुश्मन को भी उसकी आखिरी रसूमात से वंचित ना किया जाए, और जो दुश्मन है, जो घुसपैठिया था, उसकी भी आखिरी रसूमात पुलिस की मौजूदगी में, BSF के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी तरह से किस तरह से उसकी आखिरी रसूमात को अंजाम दिया गया, पूरे रीति रिवाज के साथ उस पाकिस्तानी घुसपैठिए को दफनाया गया। हम ये कहेंगे कि सैल्यूट करते हैं हमारे BSF के जवानों को, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो हर समय एक मिसाल कायम करते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, देश के लोगों की सेवा तो करते हैं, और वही दूसरी तरफ एक इंसानियत का, एक प्यार मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं, और यहाँ तक कि दुश्मन के लिए भी उनके दिल के अंदर इज्जत है, जबकि वो दुनिया में नहीं है। उसके बावजूद आपने देखा कि किस कदर बड़ी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया, उनकी आखिरी रसूमात की गई। हम जो आरसपुरा के एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ BSF के जो जितने भी आला अधिकारी और हमारे जवान हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसी पहल और ऐसी कदम उठाया है, वाकई जो देश में नहीं, विदेशों नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान जो हमेशा नापाक कोशिशें करता है, उसको तक भी मैसेज ज़रूर पहुंच गया होगा कि किस कदर हमारे देश के जवान, हमारे देश के लोग दुश्मन के लिए भी कद्र करते हैं, दुश्मन के लिए भी इज्जत रखते हैं। पर अगर दुश्मन नापाक हरकतों पर आ जाए तो उसे माफ़ बिल्कुल भी नहीं करती, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि जिस घुसपैठिए ने कोशिश की घुसपैठ करने की, उसे हमारे BSF के जवानों ने मार गिराया, और उसके बाद 72 घंटे तक वेट किया कि जब कोई भी बॉडी को, किसी ने भी क्लेम नहीं किया, पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ जब बॉडी लेने कोई नहीं आया, क्योंकि चिट्ठी भी लिखी गई थी काउंटर पार्ट को, पर कोई जब नहीं आया, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वहाँ के हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में और साथ ही पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में उनकी आखिरी रस्मात को अंजाम दिया गया। ये है हमारा देश, ये हमारे देश के जवान, ये हमारे देश की सभ्यता। आपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।